सवाल है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को जब क्लासिफाई किया गया था तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया उसके क्लासिफिकेशन के लिए नहीं लिया गया था? पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन को क्राइटेरिया के रूप में लिया गया था फंजाई को क्लासिफाई करने के लिए। किसी में हमने देखा था स्पोर्स एंडोजीनियसली बन रहे हैं, किसी में एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन जो क्रिटेरिया था वो लिया गया था फंजाई को क्लासिफाई करने के लिए। रूटिंग बॉडी भी लिया गया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम भी लिया गया था, तभी तो हमने पढ़ा था ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड एसेप्टेट, तो ये क्राइटेरिया भी लिया गया था, जबकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। पहला आंसर ही हमारा चला जाएगा सही, इसको हमने फंजाई को क्लासीफाई करने के लिए नहीं डिनोट किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट है, थैंक यू।